आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द लेकर उसके आगे चार अन्य शब्द दिए हैं। उनमें से एक दिए गए शब्दों की अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। शब्द दिया गया है इंटरनेशनल। हमें चार ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसकी स्पेलिंग इंटरनेशनल के शब्दों से मिलकर नहीं बनी है, हमें वही ज्ञात करनी है। तो आओ चेक करते हैं। नंबर एक पे दिया है नेशनल, NATIONAL। चेक करते हैं, हमें N दिया गया है, A दिया गया है, T दिया है, IONAL। बिल्कुल सही है, नेशनल की स्पेलिंग है वह इंटरनेशनल किस शब्दों से मिलकर बनी हुई है। नंबर दो पे दिया है टर्मिनल, TERMINAL। टर्मिनल में TER, तो इंटरनेशनल के अंदर कहीं भी M नहीं दिया हुआ, इसके अंदर ये M आ रहा है, तो टर्मिनल की स्पेलिंग है वह इंटरनेशनल के शब्दों से मिलकर नहीं बनी है, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर तीन पे दिया है टेनेंट, TENANT। टेनेंट में देखते हैं, टी दिया गया है, ई दिया गया है, एन दिया गया है, ए दिया गया है, एन दिया गया है, टी दिया गया है, तो टेनेंट की स्पेलिंग है वह इंटरनेशनल के शब्दों से मिलकर बनी है। नंबर चार पे देखते हैं टेनर, TENOR। टी दिया गया है, ई दिया गया है, एन दिया गया है, ओ दिया गया है, आर दिया गया है, तो टेनर की स्पेलिंग भी क्या है इंटरनेशनल के शब्दों से मिलकर बनी है। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर दो ही केवल ऐसा है जिसकी स्पेलिंग इंटरनेशनल के शब्दों से मिलकर नहीं बनी, बाकी तीनों की स्पेलिंग है वह इंटरनेशनल के शब्दों से मिलकर बनी है, तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।